अमेरिका में जैक्सन नाम का एक युवक था और उसका अमेरिकी सेना में जॉब लग गया। वो वहाँ जॉब करने लगा और वहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए। सेना के जवानों को वहाँ के बड़े घराने से पार्टी के इनविटेशन वगैरह आते रहता था, तो जैक्सन को भी पार्टी में जाना पड़ जाता था। जैक्सन जब पहली बार पार्टी में गए तो उनके कुछ दोस्तों के साथ साथ जैक्सन के हाथ में भी शराब का गिलास थमा दिया गया, लेकिन इससे पहले जैक्सन ने शराब को कभी छुआ तक नहीं था। तो ये शराब पीने से मना करने की सोच ही रहा था, तभी उसके दोस्त ने कहा, यार अगर तुम्हें शराब पीने से मना कर दोगे तो जिसने हम लोगों को पार्टी में बुलाया है उन्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा ही सही तुम पी लो। तो जैक्सन ने अपने दोस्तों का कहना मान लिया और उस दिन थोड़ा सा शराब पी लिया। अक्सर वहाँ पार्टी वगैरह जो है होते रहते थे, बड़े बड़े घराने की तरफ से पार्टी के इन्विटेशन जो है सेना के बड़े बड़े कमांडर के साथ साथ उनको भी मिलने लगा। तो जैक्सन का भी पहचान धीरे धीरे उस एरिया में बढ़ गया और उन्हें भी लोग पार्टी वगैरह में इनविटेशन देने लगे। तो जैक्सन भी बड़े बड़े पार्टियों को अटेंड करने लगा और वहाँ लोगों के देख रेख में, लोगों को देख करके ये भी अपने हाथ में एक शराब का ग्लास लेते और थोड़ा थोड़ा करके पी लेते थे ताकि जिनके पार्टी में गए हैं उनको बुरा ना लगे। तो जैक्सन को थोड़ा थोड़ा शराब पीने की आदत लग गया। जब वो आर्मी से रिटायर हुए कुछ समय बाद तो उन्होंने शराब पीने की आदत को छोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं छूट सका। जब वे सेना में जॉब कर रहे थे तो उस दौरान उनके कई सारे दोस्त भी बन चुके थे। तो रिटायर होने के बाद में उन्होंने एक दोस्त के घर गया और उससे पूछा, क्या तुमने शराब पीना छोड़ दिया? तो उसके दोस्त ने हाँ में जवाब दिया, हाँ मैंने शराब पीना छोड़ दिया। फिर जैक्सन आश्चर्य होते हुए पूछता है, कैसे छोड़ा? तो दोस्त ने कहा, मैं जिस धर्म को मानता हूँ उस धर्म का वास्ता देते हुए मैंने अपने आप से प्रण किया कि शराब बुरी चीज़ है और आज के बाद मैं कभी शराब को नहीं पीऊँगा, और उसके बाद आज तक मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। इतना सुनकर जैक्सन अपने घर वापस आ गया और उसने भी अपने दोस्त के बताए गए उपाय अपनाया लेकिन शराब छोड़ने में असफल रह गया। जैक्सन ने भी अपने धर्म के प्रति वो प्रण लिया कि मैं भी आज से शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन वो शराब छोड़ने में असफल रह गए। कुछ दिन बाद अधिक मात्रा में शराब सेवन के वजह से जैक्सन बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए, यहाँ तक कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और ICU में भर्ती करना पड़ा, जहाँ वो अपने जीवन और मौत से जूझ रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अगर मैं बच गया तो शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। तो जब बात मौत पे आती है तो दुनिया के तमाम बुरी आदतों को छोड़ने के लिए लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन खुदा, भगवान, ईश्वर ये सबको दोबारा मौका नहीं देती। अगर आप भी किसी बुरी आदत में फंसे हुए हैं तो समय से पहले उस बुरी आदत को छोड़िए, वरना समय से पहले अकाल मृत्यु के कारण आप अपने दुनिया को छोड़ देंगे।